दोस्तों, ई श्रम कार्ड का पैसा कैसे चेक करें कि आपके खाते में आया है कि नहीं, या फिर अपना बैंक पासबुक या मिनी स्टेटमेंट या अवेलेबल बैंक बैलेंस या लास्ट के 5-6 कटौती कैसे चेक करें, या फिर इस मंथ के ट्रांजिशन हुए कैसे चेक करें, कितने क्रेडिट कितने डेबिट और किस किस योजना से पैसा आया है, कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से चेक करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करें, गूगल में आपको लिखना है टेक हेल्प बैंक। जैसे ही आप टेक हेल्प बैंक सर्च करेंगे, यहाँ पर मिलेगा बैंक बैलेंस कैसे चेक करें ऑनलाइन। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले इस लिस्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपने जो भी बैंक दिया है उस बैंक पे आप क्लिक करें। ई श्रम कार्ड बनाते समय बैंक बैलेंस चेक पे क्लिक करें। मिनी स्टेटमेंट पे आपको कॉल लगा देना है। कॉल लगने के कुछ क्षण बाद यहाँ पे बैंक की तरफ से 1 मैसेज यहाँ पे आएगा, जिसमें लिखा होगा कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, कितने डेबिट क्रेडिट हुए हैं इस महीने में। इस तरीके से आप ई श्रम कार्ड का पैसा यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में आया कि। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 मैसेज आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अवेलेबल बैलेंस इस डेट में इतना है और इस मंथ में हुए क्रेडिट डेबिट की पूरी लिस्ट सूची आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं 31 मार्च से लेकर यहाँ देखिए 10 आज तक। तो इस प्रकार से हुए पूरे मंथ का डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो आपको बस क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर टेक हेल्प बैंक सर्च करके इस लिंक के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। धन्यवाद।